नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनानी। ठीक है, मैं आज आपके लिए प्रोसेस प्लांट यूटिलिटीज का एक टॉपिक डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, डीआयनाइजेशन प्रोसेस या आयन एक्सचेंज प्रोसेस लेके आया हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस या डीआयनाइजेशन प्रोसेस या आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता क्या है? ठीक है, डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, डीमिनरलाइज, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स मतलब जो भी वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, उन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जो हार्ड वाटर को डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर के द्वारा हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस का यूज इसलिए है क्योंकि इससे प्रोड्यूस वाटर की ही हम स्टीम बनाते हैं। ये मोस्टली, यह प्रोसेस मोस्टली केमिकल इंडस्ट्री या वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, में यूज किया जाता है। मैंने बताया कि क्या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर का मतलब इम्प्योर वाटर, हार्ड वाटर, ठीक है, इंडस्ट्री में मोस्टली ये कंडेंसेट वेपर्स होती है। क्या होती है? कंडेंसेट वेपर्स होती है। इससे डीएम मतलब डीमिनरलाइजेशन प्लांट के द्वारा या डीमिनरलाइजेशन के द्वारा डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और इस वाटर से प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम बनाने में किया जाता है। डिस्टिल वाटर की ही क्यों स्टीम बनाई जाती है? क्योंकि हम स्टीम के द्वारा टरबाइन को ऑपरेट करते हैं और टरबाइन एक बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, उसमें कोरोजन वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, जो डीएम प्लांट या डीमिनरलाइजेशन या डीआयनाइजेशन प्रोसेस है उसके द्वारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंप्योरिटीज को रिमूव, ठीक है, किया जाता है और जो डिस्टिल वाटर प्राप्त होता है उसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि डिस्टिल वाटर की पीएच वैल्यू जीरो होती है, की पीएच वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, अब जो हार्ड वाटर है या कंडेंसेट वाटर है, हार्ड वाटर या कंडेंसेट वेपर, कंडेंसेट वेपर क्या होती है, यहां पर ये भी पूछा जा सकता है कंडेंसेट वेपर क्या होती है, कंडेंसेट वेपर क्या होती है, क्या है, जब हम डीएम वाटर की स्टीम बनाते हैं तो स्टीम के द्वारा टरबाइन ऑपरेट होती है और टरबाइन, ठीक है, ऑपरेट होने से स्टीम कंडेंस होती है और वो कंडेंस स्टीम दोबारा से कलेक्ट होती है और उस कलेक्टेड कंडेंसेट स्टीम को हम दोबारा से डीमिनरलाइज करते हैं। इसमें दो प्रकार की इंप्योरिटी पाई जाती है, ठीक है, हमें पता होगा, एक टेम्परेरी हार्डनेस
और एक परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फाइड के कारण होती है। हमें क्या करना है, जो ये इंप्योरिटीज हैं ठीक है इनको रिमूव करना है। अब इन इंप्योरिटीज को रिमूव करोगे जैसे जैसे ठीक है ब्रेक करेंगे तो एम पॉजिटिव और सी एच सी ओ थ्री नेगेटिव, यह इसी तरीके से इसे ब्रेक करोगे और इसमें से देख लो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एम मैग्नीशियम प्लस और सी एल टू माइनस, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है उन्हें कैटाइन कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उन्हें एनाइन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं डीमिनरलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कैटाइन और एनाइन को रिमूव किया जाता है, ठीक है। कैटाइन और एनाइन को रिमूव आयन एक्सचेंज रेजिन आयन एक्सचेंज रेजिन आयन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा किया जाता है। आयन एक्सचेंज रेजिन होता क्या है, ये एक क्रॉस लिंक्ड लॉन्ग चेन पॉलीमर है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है, ठीक है। अब इसे अगर इसमें इसमें मैं एसिटिक ग्रुप ऐड कर दूं या अटैच कर दूं तो ये बन जाता है कैटाइन एक्सचेंज रेजिन। अगर इसमें मैं बेसिक ग्रुप अटैच कर दूं तो ये एनाइन एक्सचेंज रेजिन बन जाता है। कैटाइन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा कैटाइन आयन को एक्सचेंज किया जाता है और एनाइन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा एनाइन आयन को एक्सचेंज किया जाता है। कैटाइन आयन आर एच टू और ये आर डैश ओ एच, इससे बेसिक ग्रुप अटैच किया गया है तो ओ एच, और इससे ठीक है एसिटिक ग्रुप अटैच किया गया है तो आर एच टू, ठीक है। अब डीमिनरलाइजेशन या डीएम प्लांट का फ्लोचार्ट में क्या होता है, ठीक है, एक कैटाइन एक्सचेंजर होता है, एक एनाइन एक्सचेंजर होता है और तीसरा कॉलम बी गैसीफायर का होता है। कैटाइन एक्सचेंजर में कैटाइन एक्सचेंज रेजिन की पैकिंग की जाती है, एनाइन एक्सचेंजर में ठीक है एनाइन एक्सचेंजर रेजिन की पैकिंग की जाती है और डी गैसीफायर में कोई भी पैकिंग कर दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले जो कंडेंसेट पेपर है
या इम्प्योर वाटर है उसे कैटायन एक्सचेंजर वेसल में फीड किया जाता है। कैटायन एक्सचेंजर वेसल में फीड किया जाता है। अब इसमें क्या है, ये कैटायन एक्सचेंजर रेजिन की पैकिंग है, तो वाटर इससे क्या होगा, इसके बीच में जो पोरस या वॉइड्स होंगे उससे गुजरेगा और इसमें प्रेजेंट जो कैटायन ठीक है इम्प्योरिटीज हैं वो इस बैड से या रेजिन से ठीक है एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कैटायन एक्सचेंजर में क्या रिएक्शन होती है, इसमें क्या है R H2, ये क्या है कैटायन एक्सचेंज रेजिन का फॉर्मूला है और इसमें आया इम्प्योर वाटर जिसके साथ हमारी क्या है मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड सल्फाइड और बाइकार्बोनेट्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया Mg+ ले लिया और इसकी रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा Mg+2HN। ठीक है, इसी तरीके से RH2 और C+2+। ठीक है, अब जो हमारी मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड में पॉजिटिव आयंस हैं वो कैटायन रेजिन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे जिसके कारण उस समय पर कैटायन रेजिन ठीक है पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, और काम करना बंद कर देगा। तो कुछ समय बाद हमें क्या करना है, इस बैड को रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट करने के लिए हम रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन से करते हैं। ठीक है, अब इस बैड में क्या प्रेजेंट होगा RMG और RCA। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग एसिड से कराएंगे HCl से, तो ये क्या हो जाएगा RH2+MgCl। ठीक है, जब कैटायन एक्सचेंजर रेजिन का रीजनरेशन करते हैं तो हम अपना मेन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और इस पूरे बेड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। ठीक है, और उसे ठीक है वेस्ट वाटर की तरह बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कैटायन रेजिन दोबारा से ठीक है रीजनरेट हो जाता है और ठीक है फिर से कैटायन एक्सचेंज को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब आया इसके बाद इससे कैटायन एक्सचेंजर से प्राप्त वाटर फीड किया जाता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंजर में एनायन मिनरल्स रिमूव होते हैं। ठीक है, अब एनायन मिनरल्स क्या बचे, ठीक है R-OH2 और Cl- तो ये क्या बन जाएगा R Cl2+2OH-। इसी प्रकार
आर डैश ओ एच का होल स्क्वायर और एस ओ फोर। आर एस ओ फोर और ये टू ओ एच माइनस, ठीक है। इसका रीजनरेशन एनायन पैड का रीजनरेशन हम स्ट्रॉन्ग एनओएच से करते हैं। किससे करते हैं इसका रीजनरेशन? रीजनरेशन इसका करते हैं स्ट्रॉन्ग एनओएच सॉल्यूशन से, स्ट्रॉन्ग एनओएच सॉल्यूशन से। स्ट्रॉन्ग एनओएच सॉल्यूशन से हम इसको क्या करते हैं? वाश करते हैं, ठीक है। और वाश करते समय जो बेड के नीचे से, ठीक है, वाटर प्राप्त होता है, उसे वेस्ट वाटर की तरह हम बाहर निकाल लेते हैं। और वाश करने के बाद ये रेजिन दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारा आर एसओ फोर, आर डैश एसओ फोर है, इसे एनओएच से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये आर डैश ओएच का होल ट्वाइस और एनए टू एसओ फोर बन जाएगा, ठीक है। अब एनए टू एसओ फोर हमारा वेस्ट वाटर के साथ हम रिमूव कर लेंगे और एनायन एक्सचेंजर हमारा दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर में हमने पॉजिटिव या कैटायन इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया, एनायन एक्सचेंजर में हमने, ठीक है, एनायन या नेगेटिव इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब कैटायन एक्सचेंजर से एचआयन और एनायन एक्सचेंजर से OHN मिले, जो मिलके वाटर बनाएंगे, ठीक है। अब यहां से प्रेजेंट वाटर डीगैसीफायर में भेजा जाता है। डीगैसीफायर में पैकिंग बैग्स लगे रहते हैं, ठीक है, और टॉप पर गैसें निकलने के लिए, ठीक है, एक बैग दिया होता है, ठीक है। डीगैसीफायर का मेन काम, ठीक है, CO2, O2 और दूसरी गैसें जो वाटर में डिजॉल्व है उन्हें रिमूव करना होता है। डिस्टिल और डीगैसीफायर के बॉटम से प्योर डिस्टिल वाटर प्राप्त हो जाता है और इस वाटर से हम स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम बनाते हैं। इसका यूज टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोस्तों पीपीयू के नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट डे, नमस्ते।